बताते हैं कैसे आज मंत्री बने 6 विधायक, देखते ही देखते आम से खास बन गए। सबसे पहले सुनिए पत्रकार से नेता बने मनीष सिसोदिया की कहानी। 2 साल पहले तक कोई पहचानता नहीं था, आज कैमरे भी तने हैं और मीडिया से भी घिरे हैं। ये है मनीष सिसोदिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले मनीष पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन 1 साल में मनीष का मैदान भी बदल गया और ओहदा भी। भगवान ने अपने लिए कोई रोल चुना होगा, इसलिए भगवान यहाँ लेके आ गया। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे कद्दावर नाम मनीष सिसोदिया ही है। इन दो क्रांतिवीरों की दोस्ती आज की नहीं, दशक पुरानी है। अरविंद उनमें से एक बहुत ऐसा खास दोस्त है जो पिछले 12-13 साल से लगातार हमारी दोस्ती बनी हुई है। गाजियाबाद के वसुंधरा में इसी वार्तालोक अपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया का परिवार रहता है। मनीष को उनकी पत्नी सीमा से ज्यादा बेहतर भला कौन जान सकता है। सीमा अपनी शादी का 1998 में मनीष ने सीमा से शादी की। उस वक्त मनीष बतौर पत्रकार एक रेडियो चैनल में काम कर रहे थे, इसके बाद एक न्यूज चैनल में नौकरी की। आप लोग खुश हैं कि कम से कम ये मौका मिला सालों के संघर्ष के बाद मनीष जी के सामने? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कितना कठिन मान रहे हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है समाज सुधार और देश के सुधार की, कितना कठिन है ये जिम्मेदारी? नहीं, जिम्मेदारी तो कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मतलब ये लोग कर लेंगे सारा कुछ। राजनीति में तो कभी आने का सोचा नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे या पॉलिटिक्स करेंगे, ये तो कभी नहीं सोचते थे। घर से निकला था तो पत्रकार बनने निकला था और पत्रकार बन भी गया था। फिर लगा कि पत्रकारिता में जिन समस्याओं को हम उठा रहे हैं, जो देश में समाज में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उनकी समीक्षा तक तो हम अच्छा कर लेते हैं, रिपोर्टिंग अच्छी कर लेते हैं, समीक्षा अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं आता। सिसोदिया समाज से सरकार तक उन हर समस्याओं का निपटारा चाहते थे जो पत्रकार बनकर पूरा करना नामुमकिन था। ऐसे ही वक्त में मनीष सिसोदिया को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। चेंज कैसे हो, तो वो चेंज की जो चाहती वो परिवर्तन संस्था तक ले गई। अरविंद ने हमने परिवर्तन संस्था बनाई, लंबी लड़ाई लड़ी। कबीर और परिवर्तन जैसे गैर सरकारी संस्थान के जरिए मनीष अब समस्याओं का समाधान खोजने लगे। जब सरकार ने RTI का कानून बनाया तो मनीष सिसोदिया की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली। अब तक मनीष देश के लिए अनजान थे, लेकिन साल 2011 के अन्ना आंदोलन ने सिसोदिया को नई पहचान दी। पूरा हिंदुस्तान जानने लगा कि अन्ना के मंच पर अन्ना केजरीवाल के साथ खड़ा ये आम आदमी मनीष सिसोदिया है।